नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं ग्वालियर की खबर के साथ, जहां पर दौरे पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। रोड शो कर जनता का आभार जताया है सीएम ने। जनता ने उनका जोरदार स्वागत यहां पर किया। टिपारा न्यू गौशाला का किया शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। गौ पूजा की यहां पर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जन आभार यात्रा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, और इस आभार यात्रा में उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। लोगों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। यहां पर जो आम लोग थे उनके बीच खासा उत्साह देखने को यहां पर मिला है। रोड शो कर जनता का आभार यहां पर सीएम ने जताया। तो तस्वीरें आपको हमने दिखाई किस तरह से यहां पर आभार यात्रा, जन आभार यात्रा निकाली गई है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, और साथ ही वो गौशाला पहुंचे हैं। न्यू गौशाला का उद्घाटन यहां पर मुख्यमंत्री ने किया है। टिपारा न्यू गौशाला का उद्घाटन, जोरदार स्वागत जनता की ओर से इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का किया गया। समर्थक खासे उत्साहित नजर आए हैं, और जनाभार यात्रा में इस रोड शो में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नजर आए। तो अब आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं सीधा टिपारा न्यू गौशाला, जहां उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको दिखाई दे रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। टिपारा में न्यू गौशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किया है। गौ पूजा भी उन्होंने की यहां पर, और साथ ही व्यापार मेले का भी उद्घाटन किया। तो केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी उनके साथ हैं। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये तीन तस्वीरें जहां आज ग्वालियर दौरे की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं रोड शो, और रोड शो में एक गाड़ी पर सवार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हाथ हिला हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे, जो भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे। और उसके बाद अब तस्वीर आप देख रहे हैं, बीच में जो तस्वीर है उसमें आपको दिखाई दे रहे हैं सिंधिया उनके साथ। यहां टिपारा न्यू गौशाला का जब उन्होंने उद्घाटन किया उस कार्यक्रम की तस्वीरें यहाँ पर हैं, और गौ पूजा भी इस मौके पर सीएम डॉक्टर यादव ने की है। गाय की पूजा करते हुए आप मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को देख पा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। व्यापार मेले का भी उद्घाटन का कार्यक्रम है यहां पर, और तस्वीरें ग्वालियर दौरे के मुख्यमंत्री यादव की आपको दिखाई दे रही हैं। प्रचंड जीत के बाद जन आभार यात्रा यहां पर निकाली गई है मुख्यमंत्री की ओर से। टिपारा न्यू गौशाला का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया यहां पर। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जबलपुर से, आपको बता रहे हैं, जहां नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े के मामले में याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई। सीबीआई ने अंतरिम जांच रिपोर्ट पेश की। 254 कॉलेजों की रिपोर्ट को बंद लिफाफे में पेश किया गया। 50 नर्सिंग कॉलेजेस की जांच होना अभी बाकी है। कोर्ट ने 15 दिन की मोहलत दी है जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए। मोहलत दी गई
254 कॉलेजों की रिपोर्ट हाईकोर्ट में यहां पर सीबीआई ने पेश की है। अंतरिम जांच रिपोर्ट है, 50 कॉलेजों की जांच होनी अभी बाकी है। कोर्ट ने इसके लिए 15 दिन का समय और दिया है सीबीआई की टीम को। बंद लिफाफे में सीबीआई की ओर से ये रिपोर्ट पेश की गई है। नर्सिंग कॉलेजेस में फर्जीवाड़े के इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की टीम ने बंद लिफाफे में अपनी जांच रिपोर्ट पेश की है। ये जांच रिपोर्ट 254 कॉलेजों की है, 50 कॉलेजों की जांच अभी होना बाकी है। इसके लिए अदालत ने सीबीआई टीम को 15 दिन की और मोहलत दी है।